Asus Zenfone 3S Max में मौजूद है एक बड़ी बैटरी जिसकी मदद से ये फोन काफी देर तक चलता है। इसका पीसी मार्क बैटरी स्कोर काफी एक्सेलेंट है और हमने 14 आवर्स का बैटरी स्कोर रिकॉर्ड किया। इस फोन पर 15 मिनट गेमिंग करने के बाद हमने 4% का बैटरी ड्रॉप देखा और 1 घंटा गेमिंग करने के बाद 10% का। इसका मतलब है कि आप इस फोन पर 10 घंटे तक गेमिंग कर सकते हैं स्क्रीन ब्राइटनेस 100% पर। Zenfone 3S Max में मौजूद है एंड्रॉइड नूगेट और Asus का खुद का Zen UI। इस यूजर इंटरफेस के एस्थेटिक लुक्स सेम है और काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी है। Zenfone 3S Max में मौजूद है MediaTek MT6750 SoC और 3GB की RAM और इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं है। ये फोन हमारे रिव्यू करते टाइम काफी बार स्लो हुआ। इस फोन के कई और डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर का रिएक्शन टाइम स्लो है और इसके अपलोड टाइम्स भी ज्यादा है। गेम्स भी ठीक से नहीं चलते और काफी बार क्रैश होते हैं। बैटरी लाइफ इंप्रूव करने के लिए Asus ने इस बार एक 720p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले चुना है, लेकिन फोन की परफॉर्मेंस और ओवरऑल बैटरी लाइफ को देखने के बाद हमें इस बात में ज्यादा सेंस नहीं दिखाई दिया। Asus Zenfone 3S Max में मौजूद है 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा। हम अपने रिव्यू में इसकी कैमरा परफॉर्मेंस को बाद में हाईलाइट करेंगे। 3S Max में पिछले साल लॉन्च हुए Zenfone के मुकाबले एक नया डिजाइन मौजूद है। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर होम बटन के साथ ही दिया हुआ है, जिसका डिजाइन थोड़ा ज्यादा राउंडेड है। Asus Zenfone 3S Max एक बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ वाला फोन है और इसमें आपको मिलता है एंड्रॉइड नूगेट आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो Lenovo P2 एक बेटर चॉइस है, जिसमें आपको Asus Zenfone 3 Max से ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी। और अगर हम बात करें Xiaomi Redmi Note 4 की, तो वो आपको बेटर परफॉर्मेंस, एक कंपेरेबल कैमरा, लेकिन थोड़ी सी कम बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है एक कम प्राइस पर। हम इस फोन के सारे फीचर्स को बाद में अपने रिव्यू में हाईलाइट करेंगे।